नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में चर्चित बीजेपी नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या नगरपालिका चुनाव की रंजिश के चलते की गई थी और इस वारदात को अंजाम नगरपालिका चेयरमैन छपरौली के पूर्व चेयरमैन के देवर और बेटे ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी तीन आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल बीती 11 अगस्त 2020 की सुबह छपरौली इलाके में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था और इस पूरे हत्याकांड में सरकार की किरकिरी हो रही थी। यही कारण था कि लापरवाही के चलते एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था, जबकि एएसपी और एसपी का तबादला कर दिया गया। वहीं हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीजेपी नेता की हत्या नगरपालिका चुनाव की रंजिश के चलते की गई थी। वारदात को अंजाम नगरपालिका चेयरमैन सुशीला खोखर के देवर संजीव खोखर व बेटे श्रवण खोखर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक नगरपालिका की कुर्सी पर सालों से कब्जा था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस कुर्सी पर बीजेपी नेता संजय खोखर पक्ष के लोग कब्जा किए हुए थे और इसी बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था और संजय खोखर ने संजीव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था और इसी बात से संजय खोखर से उनकी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश के चलते बीजेपी नेता संजय खोखर के करीबी सागर बालियान के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल तीन अभियुक्त फरार चल रहे हैं। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जनपद बागपत में 11 अगस्त को थाना क्षेत्र छपरौली में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में जांच करते हुए हमारे छपरौली थाना और एसओजी ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक संजीव खोखर है और दूसरा उसका भतीजा है श्रवण खोखर। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि संजीव खोखर की भाभी पहले वहाँ पर जिला पंचायत में थी और 2016 के बाद से वहाँ पर ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। इसके साथ ये भी बात संज्ञान में आई है कि संजीव खोखर का झगड़ा एक बार संजय खोखर के खानदान के सतीश मास्टर से हो गया था, जिसमें संजय खोखर ने इनके खिलाफ थाने पर विधिक कार्रवाई करवाई थी, जिससे संजीव खोखर अपने आप को अपमानित हमेशा से महसूस करता था और वह तब से रंजिशन इनकी हत्या करवाना चाहता था। इसी बीच संजीव खोखर को एक नया लड़का जिसका नाम संजीव बालियान है वो मिला, जो इनके भतीजे श्रवण खोखर का दोस्त था। संजीव सागर बालियान भी अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, तो चाचा भतीजा ने उसको बरगलाया कि पहले वे इनके मदद करें, जिससे संजय खोखर की हत्या करने मदद करें और उसके बाद वे उसका बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। जिस दिन घटना हुई उस दिन सुबेरे तीन लड़के सागर बालियान, सागर गोस्वामी और श्रवण खोखर, ये तीनों सुबेरे 5 बजे ही मौके पर पहुंच गए थे और वहां पर वेट कर रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर के आने का। थोड़ी देर तक जब वो नहीं आए तो ये अपने ट्यूबवेल की तरफ वापस जाने लगे अपने हथियार रखने के, परंतु तब इन्होंने देखा कि संजय खोखर वहां पर आ रहे हैं, तो इन्होंने वहां पर अपने जो अवैध असलहे थे जिसमें 12 बोर और 315 बोर के तमंचे थे, उससे ताबड़तोड़ उन पर गोलियाँ चला दी, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो दो तीन अभियुक्त अभी फरार हैं, इसमें एक साहिल सलमानी है जिन्होंने इनको आश्रय दिया था और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो भी इन्वॉल्व था, और दो लोग सागर बालियान और सागर गोस्वामी, ये सब फरार हैं। इन पर 25,000 रुपये का इनाम जनपद स्तर से कर दिया गया है और कंटिन्यूसली इनकी अरेस्टिंग के लिए दबिशें दी जा रही हैं। पूरी हत्या में कितने लोग शामिल थे और पहले जो तीन गिर गए उनका क्या? जब ये मुकदमा लिखाया गया था तो वादी पक्ष की तरफ से 4 लोगों को नामजद करते हुए 3 लोगों को अज्ञात इसमें दिखाया गया था। जिनकी नामजदगी हुई थी उनका भी आपराधिक इतिहास है, उनके पास से भी उस समय अवैध असलहे बरामद हुए थे। इस घटना के लिए एक SIT गठित कर दी गई है, इसमें CO बड़ौत, इंस्पेक्टर छपरौली और मेरठ के भी एक इंस्पेक्टर रहेंगे, जिससे कि जो नामजद अभियुक्त हैं और जो प्रकाशमय अभियुक्त हैं उसमें जो भी न्यायोचित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
बागपत के बालानी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई है। नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में गंगनहर किनारे पड़ी हुई मिली। परिजनों ने दो पड़ोसी युवकों पर अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भिजवा दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। एसपी अभिषेक सिंह भी घटना के बाद मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। दरअसल घटना बालानी थाने के मवीकला गाँव की है, जहां बीते कल एक नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जो बालानी क्षेत्र में ही हिंडन नदी के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। परिजनों ने पड़ोसी दो युवकों पर अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के आरोप पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद बागपत के थाना बालानी के ग्राम मवीकला से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार की घटना हुई है। पुलिस ने तत्काल इस बात पर रिस्पॉन्ड करते हुए बालिका को बरामद कर लिया है और उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। बालिका अभी कुशल है। इसमें जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो दो लड़के हैं, जिसमें एक की उम्र 22 साल और एक की उम्र 18 साल है। इनका नाम सागर और भूरा है। ये लोग बालिका का घर और इनके घर के बीच में मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी बताई गई है। और प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि ये पहले से भी एक दूसरे को जानते थे। बालिका के परिवार की तरफ से जो भी तहरीर दी गई है उसे मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू सर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएससी में महिला के नवजात बच्चे की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सीएससी के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष कुशलवीर सिंह और युवा ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएमओ को घंटों बंधक बनाए रखा। बाद में ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भाकियों के ब्लॉक अध्यक्ष कुशलवीर सिंह ने एसीएमओ डॉक्टर घनश्याम दास को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि महिला व प्रसूति विभाग में तैनात चिकित्सक प्रसव पीड़ित से रिश्वत भी मांगते हैं और ना देने पर उसका केस बिगाड़ देते हैं। प्रसव के समय मुख्य चिकित्सक नहीं रहते, जिसके कारण आए दिन प्रसव पीड़ा के केस बिगड़ते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला गांव कुटेसरा का सामने आया है, जिसमें तीन दिन पूर्व गांव कुटेसरा निवासी मतलूब त्यागी की पुत्रवधू को प्रसव पीड़ा के कारण सीएससी में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि महिला चिकित्सक पीड़िता को इंजेक्शन देकर अपने आवास में चली गई और महिला रात भर दर्द से तड़पती रही। मौजूद नर्स के प्रसव के समय जबरदस्ती व लापरवाही करने से नवजात शिशु की मौत हो गई, लेकिन चिकित्सा प्रभारी अनेक शिकायतों के बाद भी अनसुनी कर देते हैं। आरोप है कि प्रसव के बाद महिला को मिलने वाली डाइट नहीं दी जाती, यहां तक प्रसव से लेकर एम्बुलेंस तक का खर्च वसूला जाता है। इन शिकायतों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सीएससी पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की सूचना पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर घनश्याम दास को घंटों भाकियों कार्यकर्ताओं ने अपने बीच बैठाए रखा और उन्हें समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। डिप्टी सीएमओ ने जांच कराकर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। भाकियों ने दो दिन में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी है। हमारे गांव यहाँ पर पड़ता है तेसरा का ग्राम अध्यक्ष है। उनका लड़का था, सॉरी लड़के का जो घरवाली थी उनका बच्चा हुआ था, मतलब उनका पोता कुटेसरे से। और वो कल रात यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र में आए थे और उनका पोता हुआ जो उन्होंने मुझे बताया। और डॉक्टर की और जो इंचार्ज थी रात की, जो भी नर्स उन्होंने छोड़ रखी यहाँ पर, उसकी लापरवाही से उस बच्चे की मौत होगी। समय पर उसे ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल पाया। जो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत थी वो ऑक्सीजन यहाँ अस्पताल में नहीं थी। और ये सरासर एक हत्या है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी रात्रि में स्टाफ था, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ है। ये किसान यूनियन ने यहाँ पर धरना रख दिया है। जब ये धरना तभी उठेगा जब तक हमारे ग्राम अध्यक्ष को पूरा का पूरा सहयोग सरकार नहीं देगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये जो यहाँ के जो डॉक्टर है भ्रष्ट है, जिला सीएससी प्रभारी है, उन पर क्या आरोप है? उन पर उनकी ये भी भ्रष्ट है। उन्होंने यहाँ पे पता लगा कि दारूबाजी चलती है। अगर कोई भी जच्चा बच्चा यहाँ पे पैदा होता है 3,000 से 5,000 रुपए लेने के बाद उनसे छुट्टी लेते हैं, उसे जच्चा बच्चे को छुट्टी देते हैं। ये भी यहाँ पे ये भी भ्रष्ट है। और अगर कोई कहता भी है तो उनके साथ भी अपना मुंह जोड़ करते हैं, बहसबाजी करते हैं। और यहाँ पर देखा है कि मेरे ख्याल से एक साल का जो भी जच्चा बच्चा का जो कुवाड़ होता होगा यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर बैठ नहीं सकते। एक मरे हुए कुत्ते से भी ज्यादा बदबू यहाँ पर है, पता नहीं यहाँ पर भी कैसे बैठे। तो कैसा जच्चा बच्चा केंद्र में कैसा सफाई होगी यहाँ, कैसा जैसा मोदी कह रहे कि साफ सफाई का ध्यान रखो, तो क्या साफ सफाई है यहाँ पर? आरोप ये भी है अगर कोई मेडिकल कराना है तो उससे पैसे का क्या मामला था? आरोप ये है कि जो मेडिकल के लिए आते हैं उनसे पैसे लेते हैं। यहाँ पर मेडिकल में अगर अधिकतर दवा बाहर स्टोर खोल रखे उन्होंने अपने प्राइवेट, और दवा लिख कर देते हैं कि हमारे पास दवा नहीं, बाहर से खरीद कर लाओ। अदर जी एक मामला और था, भी एक पीड़ित आई थी जो डिलीवरी हुई थी और उसको खाट पर ले जाया जा रहा था, वो क्या मामला है? वो मामला ये था खाट पर ले जा रहे थे, यहाँ पर सुविधा नहीं है, जो सरकारी बसें लगी हुई है
जो गोरमी ने लगा रखी है सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस, वो यहाँ पर नहीं थी और नहीं यहाँ पर थी तो उसकी तबियत ज्यादा खराब थी, वो अपने ट्रैक्टर ट्रोली पर ले जाने लगे और यूनियन के कहने के बाद ही यहाँ पे एम्बुलेंस आई, उसके बाद फिर एम्बुलेंस को मुजफ्फरनगर रेफर हुई। अब क्या मांग है आप लोगों? हम हमारी मांग है जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी है वे सस्पेंड होने चाहिए, उनका 302 का मुकदमा काबिज होना चाहिए और हमारे ग्राम अध्यक्ष को पूरा का पूरा अधिकार ये मिलना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगा। हमारा ग्राम अध्यक्ष जो है खुश रहे, हमने जो भी इनके साथ ट्रेजिडी हुई। सहारनपुर से मजदूरों को लेकर देवबंद आ रहे टेम्पो में सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर गांव साखन के नजदीक पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की 112 डायल पुलिस ने देवबंद के सरकारी हॉस्पिटल लेकर भर्ती कराया, जिनमें 3 लोगों को फ्रैक्चर आया जिन्हें सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया गया, बाकी 4 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घायल होने वालों में सुभाष पुत्र राजपाल, बिल्लू पुत्र संजीव वर्धमान कॉलोनी सहारनपुर के रहने वाले हैं, वहीं शैंक के पुत्र सुनील कुमार, गुलजार पुत्र अब्दुल सत्तार, कृष्णपाल पुत्र प्रेम सिंह, सुनील पुत्र रामपाल, राघव पुत्र क्रमदेव, खलासी लाइन थाना कुतुब शेर सहारनपुर के निवासी हैं। पुलिस ये बता रहे हैं कि सहारनपुर से मजदूरी करने आए देवबंद, तो ये टेम्पो में आ रहे थे, टेम्पो को किसी टाटा सुमो ने टक्कर मार दी और वो तो भाग गया, उनको 112 वाले उठा के ले आए। ये 7 आदमी है और 3 के तो फ्रैक्चर है, इनको तीनों को हमने जो है फर्स्ट एड करके सहारनपुर के लिए रिपोर्ट कर दिया है और बाकी को यहीं इलाज करके 4 आदमी स्वस्थ है और 3 के फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्योंकि तीनों को सहारनपुर के लिए रिपोर्ट कर। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव सिकंदरपुर में ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हंगामा किया तथा आला अधिकारियों से जल्द ट्रांसफार्मर हटाने की मांग की। अधिकारियों ने 2 दिन में ट्रांसफार्मर को हटाने का आश्वासन दिया। चरथावल भाकियों के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बागपत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए का इनामी कोतवाली बागपत क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान गांव सरूरपुर से सूजरा रोड पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी पुलिस कार्रवाई के दौरान एक शातिर बदमाश दानिश पुत्र सिराज निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना बड़ोद जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गोली लगने से अभियुक्त दानिश घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। अभियुक्त दानिश शातिर किस्म का अपराधी है, यह थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बागपत पर चोरी लूट आदि के लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये जनपद बागपत के कोतवाली क्षेत्र में अभी एक मुठभेड़ हुई है। यहाँ शाम की चेकिंग चल रही थी तो कोतवाली के इस क्षेत्र में बैरियर पे चेकिंग करते वक्त एक मोटरसाइकिल से 2 लोग आए जिनको रोकने की चेष्टा की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायर में एक बदमाश को घायल कर दिया है। इसका नाम दानिश है, ये तस्दीक हुआ है कि इसके ऊपर पहले भी 7-8 मुकदमे चोरी के और पुलिस मुठभेड़ के हैं। ये पिछली एक और पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें मौके से फरार हो गया था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है। और इसके कितने साथी हैं या इसका कौन से सरगना कौन सा गैंग है या इसका कहाँ का रहने वाला है? हाँ, ये बड़ौत का रहने वाला है और इसके मुकदमे जनपद बागपत और आसपास के क्षेत्रों में भी हैं, जिसका हम अभी पता कर रहे हैं। यहाँ पर एक और साथी इसका था जो यहाँ गन्ने के खेतों में भाग गया है, उसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेनाकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि नगर में बाबा कोचिंग सेंटर संस्थान ने नकल माफिया के अन्य संपत्ति की जांच की जाए और उसके कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने ककरौली थाने के आरोपी शाहनवाज की भी गलत कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति की जांच कर सीज की कार्रवाई करने की मांग की। आज क्रांति सेना के द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है और उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ एक बाबा कोचिंग सेंटर का जो मालिक था शिक्षा माफिया 1,00,000, उसके खिलाफ कहीं से मुकदमे दर्ज हुए थे पीछे से और उसके
बहुत सारी संपत्ति भी कुछ जब्त की गई थी, परंतु उसकी बहुत सारी संपत्ति अभी भी है जो उसने नकल माफिया गिरी से इकट्ठी की हुई है। तो हमने मांग करी कि उसकी सब संपत्ति को किया जाए। इसके अलावा ककरौली थाने में एक गोहत्यारा शहनवाज है जिसने कई सालों के अंदर करोड़ों की संपत्ति गोहत्या के बाद अर्जित की गई है कि उसकी संपत्ति को भी सीज किया जाए, और यहाँ तक कि उसके ऊपर मुकदमे होने के बावजूद भी उसके भी पिछले दिनों हथियारों के लाइसेंस बनवा दिए गए हैं। तो हमने उनके लाइसेंसों की भी जाँच की मांग जिलाधिकारी महोदय से की है। जयनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि रामपुरम में इस योजना से संबंधित प्राइवेट ऑफिस खोला गया है, जहां बंदर बांटकर अपात्र लोगों को पात्रों की सूची में डाला जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सूची में शामिल लोगों की जाँच होनी चाहिए और जो तरह के कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम जिला अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। हमारी जिला कार्यकारिणी अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, ये कई वर्षों दो वर्षों से लगभग ये भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी। हमारे जो भी मोर्चे के आदमी या मंडल के अध्यक्ष हैं वे हमारे बार बार शिकायत कर रहे थे कि भाई ये जो रामपुरम में जो प्राइवेट संस्था के नाम से वो खोल रखा इन्होंने एक ऑफिस, तो उसमें परम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है और जो पात्र हैं उन लोगों को तो मकान के लाभ मिल नहीं रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का, और जो अपात्र हैं उनसे घूस ले गए वे लोग, उन्हें पात्र घोषित कर रहे हैं, जिनकी 2018 2019 और 20 तक के 19 तक के जो फाइल पड़ी हुई है उन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला, और जो उनके बाद के हैं उन्हें सबको उन्हें लाभ दे दिया। और इनकी हमारा कहने का मतलब है कि जो वे रामपुर में बैठे भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ़ जो है उनकी जाँच हुए और उनकी संपत्ति की जाँच हुए कि वे दो साल में इतने पैसे वाले कहाँ से बने, उनकी उनके जो है इतने बड़े माफिया हो रहे हैं, और बार बार उन्हें समझाने के बाद भी वे नहीं समझ पा रहे और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी पर वो पलीता लगा रहे हैं हमारी भाजपा को, जबकि हमारी भाजपा कौन लोग हैं वे 5-7 हैं जो ग्रुप बना रखा उन लोगों का, वहाँ पर रामपुर में ऑफिस बना रखा और सरकारी संस्था के नाम पर उन्होंने प्राइवेट संस्था के नाम पर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया गरीबों से। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर लगाए गए कोरोना जांच केंद्र पर दूसरे दिन लोग चक्कर काटते नजर आए, जहां जांच केंद्र पर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं मिला। जांच केंद्र पर आने वाले लोगों का आरोप है कि उन्होंने सभी नंबरों पर संपर्क कर लिया है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा, और उठाते हैं तो सही जानकारी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते वह पिछले 2 घंटे से ज्यादा से परेशान है। उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है गले में, तो मैं दिल्ली लेकर जा रहे थे हमने, तो हमारे को सिंधी मेडिकल में लोग आप यहाँ पे अर्जेंट पहले टेस्ट करा लो, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो 2 बजे हम आए हैं यहाँ पे, तब से खड़े हैं, मतलब अभी तक कोई नहीं आया, और मैंने भी फ़ोन किया है डॉक्टर शमशेर को, वो कोविड का वो देख रहे हैं, वो बोले हैं जी अभी तक तो हमारे पास यही व्यवस्था है, हम 1:30 बजे तक टेस्ट करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे टाइम आपने लिखा हुआ है 2 से शाम को 5 बजे तक, लेकिन वो कह रहे हैं जी अभी हम अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जैसे बनेगी। मैंने कहा अभी अर्जेंट में अगर कोई टेस्ट कराना तो कैसे, वो कह रहा आप नहीं हो सकता अर्जेंट में। किसकी लापरवाही, ये प्रशासन की लापरवाही है इसमें। टेस्ट करवाने के लिए आए थे, कब से खड़े, क्या समस्या? 2 घंटे हो गए टेस्ट करवाने के लिए आए थे, अधिकारी से बात हुई, कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और यहाँ पे और भी जने आए, यहाँ पे आके जा भी चुके, काफ़ी आगे लोग आगे जा भी चुके। कल इसका उद्घाटन हुआ जी, उद्घाटन में कहा था कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक का समय दिया था, और हम यहाँ से 2 घंटे हुए खड़े खड़े हो गए जी। अब क्या टाइम हो रहा है? अब यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं आया, किसी तरह कोई नहीं आया, फ़ोन भी कर लिया, सबको बता भी दिया, किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें रेलवे भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का अगर समय से समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज किसानों की कई समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए, रेलवे भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष खतुल्ली के लगभग 1 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे, लेकिन जब धरना दें वहाँ आश्वासन दे दें और उसके बाद कोई समाधान नहीं। कई कंटों का मामला, छपार में 2 कंटे थे, 1 कंटा वहाँ से सफाया कर दे छपार में से, वहाँ कंटा लगना चाहिए। और बिजली की बात है, बिजली अब से 4-5 साल पहले
150 रुपये आया करती थी, 12 घंटे बिजली आवती, 13 घंटा आवती, आज 1000 रुपये, 1100 रुपये मीटर से, 2000 रुपये, ऐसा कौन सा हमारे पर लोड बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली, और उत्तर प्रदेश का किसान आज त्रस्त हो रहा, इतनी समस्या उसके सामने है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे अधिकारी, न शासन प्रशासन कर रहा, बेरोजगारी जैसा माहौल हो रहा उत्तर प्रदेश में, आत्महत्या कर रहा किसान। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जो हमारी किसान की मांग है, जो मर्द है, जैसा आज सरकारी कर्मचारी को रिटायर से पेंशन मिले 10,000 उसकी पेंशन होनी चाहिए, किसान के गन्ने का जो भाव है 10 रुपये बढ़ाया गया, मात्र 10 रुपये लागत बढ़ गई कई 1000 रुपये की बिगड़ में, ये उठ के मुंह में जीरा है, लगभग 450 रुपये का रेट होना चाहिए गन्ने का। और ये जो खाद्य सामग्री है, जो हमारे फसलों में खाद गिरते हैं, बीज गिरते हैं, उनके रेट आसमान छुरे, उन पर कम से कम उन्हें कराया जा। डीजल को देख लो, पेट्रोल को देख लो, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिसके 10-10, 20-20 रुपये घटाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, 20 रुपये घटाए जा जो ये बढ़े, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो भारतीय किसान यूनियन तोमर हर जिलों में हर रोड पर चक्का जाम करेगी। धरना जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा, भारतीय किसान यूनियन तोमर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। अमरोहा के हसनपुर के विकास खंड के गांव ओसा माफी में भगवान बलराम जयंती के भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के अवसर पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा देसी हल का पूजन किया गया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष ने बताया कि सर्वप्रथम देसी हल और खेती की प्रक्रिया का आविष्कार द्वापर में भगवान बलराम ने किया था, इसलिए भगवान बलराम को कृषि का जनक माना जाता है और भारतीय किसान संघ भगवान बलराम को संगठन के आराध्य देव मानकर प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर भगवान बलराम की जयंती मनाते हुए देसी हल का पूजन करते हैं। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता विकास खंड हसनपुर के ग्राम ओसामा की यहाँ पे भगवान बलराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज जो कृषि के देवता हैं और भारतीय किसान संघ के आराध्य देव भगवान बलराम की जयंती है, पूरे जिले में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता इस अवसर पर देसी हल का पूजन करते हैं। कहा यह गया है कि देसी हल का आविष्कार भगवान बलराम ने किया था अपने समय में, और उन्होंने ही जो खेती करने की शुरुआत वहाँ से मथुरा या द्वारिका से की थी, तब से भारतीय किसान संघ भगवान बलराम को कृषि का देवता मानते हुए अपना आराध्य देव मानकर हर वर्ष इस समय पर भगवान बलराम की जयंती मनाता है, और जहाँ तहाँ जो देसी हल है उसका पूजन किया जाता है। किसानों के हित में कार्य करने का कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं, प्रत्येक वर्ष ये संकल्प लेते हैं कि हम आगामी साल में, आगामी वर्ष में पिछली कमियों को याद करके, जो कमी हमसे हुई है उन्हें दूर करते हुए आगामी वर्ष में किसान के हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए काम करेंगे, और जो दिक्कतें हैं किसानों की उन्हें दूर कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े या संघर्ष करना पड़े, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में प्रथमा बैंक पर करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप, एसडीएम के अर्दली पर किसानों का शोषण करने के आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी के नेतृत्व में नगर के नवीन मंडी परिसर में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बोलते हुए तहसील प्रभारी निजानंद महाराज ने कहा कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के अवैध रूप से चार्ज लगाकर एक ही झटके में प्रत्येक केसीसी कार्ड से 498 रुपए प्रति कार्ड काटकर लगभग अरबों का डाका डाल दिया गया है। अध्यक्ष देवेंद्र सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 31 अगस्त तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन बैंक अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं है। केसीसी पर 3% का ब्याज वापसी को भी गोलमोल कर दिया गया है। ये भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत है। मार्च से लेके अब तक कोई पंचायत नहीं हुई, आज ये हमारी जो है एक अहम बैठक है। सर्वप्रथम विशेष मुद्दा ये है कि इन प्रथम बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड से मार्च में एक ही क्लिक में एक खाते से 498 रुपये काट लिए, जो लगभग 5
करोड़ रुपए के करीब में बैठते हैं, एक ही झटके में काट लिए। प्रधानमंत्री ने ये कहा है, श्री मोदी जी ने, कि 31 अगस्त तक कोई भी बैंक जो है अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाएगी, लेकिन बैंक अपना अतिरिक्त ब्याज लगा रहे हैं और मनमानी पे उतारू हैं। इस COVID-19 से पूरा किसान बर्बाद हो चुका है। जो मक्का का रेट पिछले साल 1800 रुपये था, आज मक्का 850-900 रुपये में बिक रही है। हमने कई बार सरकार से मांग करी है कि यहाँ पर मक्का की लेवी लगाई जाए। मक्का का सरकारी रेट 1860 रुपये कुंटल है, लेकिन किसी कान पर जू रखने तैयार नहीं है। सरकार ने मंडी शुल्क खत्म करके इन किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमारा कल को उपजिलाधिकारी कार्यालय पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। और बीच में एक बात मेरे और याद आई है, SDM साहब का जो एक पेशकार है चंदन, उसको पिछले 25 सालों से लगातार वहीं पर कामयाब है लगातार। और वो जो है, जैसा जानकारी में आया है, वो SDM साहब से मिलवाने के लिए किसानों से अवैध वसूली करता है। मैं चाहूँगा कि जो 25 साल से लगातार यह रह रहा है, उसका तुरंत तबादला करा जाए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इन तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु कल को एक बहुत बड़ा आंदोलन जिला अधिकारी महोदय कलेक्ट्रेट पर होने जा रहा है, जिसमें हसनपुर से कम 500 लोग शिरकत करेंगे। अमरोहा के रहरा में करोड़ों की चरगाह की भूमि पर कब्जा कर भूमाफियाओं का अवैध निर्माण रुकवाया गया और जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा कस्बे के निकट विद्युत गृह के नजदीक खाली पड़ी चरगाह की 1.5 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही SDM विजय शंकर ने नायब तहसीलदार संतोष कुमार को मौके पर भेज दिया, जहां उन्होंने अवैध निर्माण को रुकवा दिया, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। व्यतीत रहे कि गत माह से लगातार अवैध निर्माण किए जाने का सिलसिला रुकने का तैयार नहीं और भूमाफिया अधिकारियों पर भारी पड़ रहे हैं। बार बार रोकने के बाद भी भूमाफिया निर्माण शुरू कर देते हैं, अधिकारी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को तैयार हैं। अमरोहा के हसनपुर में मजिस्ट्रेट चेकिंग से चालकों में हड़कंप मचा रहा, जहां दोपहिया से लेकर ओवरलोड भारी वाहन के चालान का। आपको बता दें कि SDM के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने मजिस्ट्रेट घर में संबल बस स्टैंड पर शुरू की बैरिकेटिंग कर चेकिंग की गई, जिससे बड़े व छोटे सभी वाहनों में हड़कंप मचा रहा। नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया, साथ ही दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर उनको सख्त हिदायत दी दस्तावेज पूरे किए जाने की हिदायत दी गई। अमरोहा के हसनपुर में सरकार के नियमों की अनदेखी कर 4 किलो प्रति यूनिट राशन बट रहा है, जिसमें चना भी गायब मिला। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि तहसील के सैद नगली थाना इलाके के गांव मेहंदीपुर में राशन डीलर रेखा रानी पत्नी बलजीत द्वारा आरोप के मुताबिक उपभोक्ताओं को 4 किलो प्रति यूनिट राशन वितरण किया जा रहा है, जबकि चना बिल्कुल भी वितरण नहीं किया जा रहा। सरकार द्वारा पौष्टिक आहार के लिए दिया जा रहा चना पूरे का पूरा ही गायब कर दिया गया। मामले में कांग्रेस सचिव राजपाल सैनी, बबलू, दीपक गौतम आदि सूचना पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेसियों को बहला लाकर वापस भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि शासन द्वारा 5 किलो प्रति यूनिट राशन दिया जाता है, लेकिन राशन डीलर रेखा रानी द्वारा 4 किलो प्रति यूनिट राशन ही दिया जा रहा है। कितने यूनिट थे? 4 किलो। एक यूनिट कितने थे? दो ही चल रहे हैं हमारे। अच्छा, इसमें जो चना आ रहा है, चना भी दिया जा रहा है? नहीं नहीं दिया गया, चना नहीं दिया गया बिल्कुल भी। अच्छा, कितने? ये तो फ्री राशन है, पैसे लिए उन्होंने? पैसे आपका ना काटे इन्होंने, पहले पहरे पे पैसे लिए। अमरोहा के हसनपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि तहसील के शहदरा मिलक निवासी सारला पत्नी बीनू को प्रसव पीड़ा होने के चलते उन्होंने अपनी पत्नी को सैद नगली के ढक्का के क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां पर आरोप के मुताबिक स्टाफ की लापरवाही मुख्य कारण रही और प्रसव पीड़ा के बाद पीड़िता सरला को नवजात शिशु पैदा हुआ, लेकिन स्टाफ की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई, जहां पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही साथ चिकित्सक पर शिशु के प्रति लापरवाही बरतने और नवजात को मारने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल के गांव बिरालथी में ठाकुर अमरीश राणा के कार्यालय में बिरालथी व क्षेत्र के किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ोतरी ₹10 को लेकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए गांव व क्षेत्र के किसानों की बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए ₹10 गन्ना मूल्य पर चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र के किसानों ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया, जबकि खेती के प्रयोग में आने वाले डीजल पर इस वर्ष ₹20 की बढ़ोतरी की गई है। किसान स्वामियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा का कहना है कि ये सरकार द्वारा गन्ना किसानों के साथ घटिया मजाक है। गन्ना मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल होना भी गन्ना किसानों की लागत से कम है, क्योंकि गन्ने की फसल में बुआई से लेकर निराई गुड़ाई, पानी, ईख बांधने, छोटे किसानों का गन्ना किराए पर सेंटर पर डलवाने व गन्ना छुलवाने तक की समस्त लागत अगर जोड़ी जाए तो ₹50 की लागत भी किसानों को नहीं मिलती। किसान परेशान है, सरकार द्वारा किसानों के साथ मजाक करके परेशान और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ₹400 गन्ना मूल्य घोषित होता है तो सरकार की ओर से कुछ हित होगा। बैठक में भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर श्री ओम राणा ने सभी किसानों का समर्थन किया व ₹400 गन्ना बढ़ोतरी की मांग की। बैठक में राजवीर शास्त्री व रामवीर ठाकुर, सतीश राणा, भूषण वर्मा, टीटू राणा, संदीप कुमार, विनोद कुमार, दिनेश सिंह, किसान स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा, भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री ओम राणा मौजूद रहे। ये बैठक है, किसान बैठे हुए हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं। किसान ने सरकार ने जो मूल्य बढ़ाया है, इससे ये कोई कुछ नहीं है। डीजल पर इतने पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, इसका कोई गलती नहीं है। और इतना खर्चा खेती में आ रहा है, इसकी कोई समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। आज बिरालसी में क्षेत्र व गांव के किसानों की एक बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा ₹10 की गन्ना बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। ₹10 की गन्ना बढ़ोतरी सरकार द्वारा ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, जबकि सरकार ने ₹20 डीजल पर बढ़ा दिए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि गन्ना मूल्य लगभग ₹400 प्रति क्विंटल किया जाए, जिससे कि किसान भी अपने परिवार का गुजारा कर सके। जी, और आज बिरालसी में क्षेत्र के सभी किसान बटले हुए लगभग लॉकडाउन का पालन करते हुए जी, और ₹10 मूल्य बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। एक तरफ तो सरकार जो है 2022 में किसान की आय दुगने की बात कर रही, और दूसरा गन्ने में ₹10 क्विंटल की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा जो करी गई है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, और इससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है जी। एक तरफ तो डीजल के ₹20 लीटर के लगभग बढ़ोतरी हुई है, खेती में पेस्टिसाइड और दवाइयों का खर्चा भी काफ़ी आ रहा है, तो ये पर्याप्त नहीं है, इसका भारतीय किसान संघ घोर विरोध करता है। जय बलराम, जय भारत। सहारनपुर के गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड पर मक्काबास के निकट दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मक्काबास निवासी याकूब अली हसन मक्काबास से हरियाबास में अपने खेत पर जानवरों का चारा लेने स्कूटी पर जा रहा था। जैसे ही हरियाबाग के निकट पहुंचे तो सामने से वसीम पुत्र भूरा निवासी कैलाशपुर आ रहा था, जिसकी बाइक अनियंत्रित होने के कारण स्कूटी में जा टकराई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में याकूब के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। मौके पर रुके राहगीरों ने एम्बुलेंस को फोन कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर के गागलहेड़ी में थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यादव के द्वारा पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर उन्होंने सभी से शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि सभी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और बिना मास्क के बाहर न निकले। सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर गागलहेड़ी नेशनल हाईवे 59 से कोलकी पुल के पास से इटावा मार्ग निकलता है, जिस पर एक तेज रफ्तार कार को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर को मामूली चोट आई, लेकिन सामने से तेज रफ्तार पर आ रही कार को बचाने के चक्कर में ट्रक साइड में पलट गया, जिससे ट्रक का अगला शीशा टूट गया और कुछ अन्य नुकसान भी हुआ है। इस हादसे में किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रक में काफी नुकसान हुआ है।
सहारनपुर के गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड पर हड़िया बांस के निकट शराब के नशे में धुत स्कूटर सवार व्यक्ति ने सड़क के किनारे खड़े डीसीएम में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार नशे में धुत व्यक्ति को मामूली चोट आई। डीसीएम में टक्कर लगने से स्कूटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं जब राहगीरों ने यह हादसा देखा तो उन्होंने स्कूटी सवार को उठाया और नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।